मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के वन मंत्री रामनिवास रावत ने उपचुनाव हारते ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को अपना इस्तीफा भेज दिया है। कांग्रेस से 6 बार विधायक रहे रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी में आते ही वन मंत्री बना दिए गए थे। अब उन्होंने विजयपुर सीट पर उपचुनाव लड़ा था जिसमें उनकी हार हो गई है। जैसे ही चुनावी परिणाम सामने आए वैसे ही वन मंत्री रामनिवास रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वन मंत्री को लेकर बीजेपी में उस समय भी घमासान मच गया था जब रामनिवास रावत को ये जिम्मेदारी मिली थी। रामनिवास रावत मध्य प्रदेश सरकार में वन मंत्री और पर्यावरण मंत्री बने थे। उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में वोट देने पर जनता का धन्यवाद दिया। रामनिवास रावत विजयपुर विधानसभा का उपचुनाव लड़े थे लेकिन महज 7,000 वोटों से हार मिलने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब एक बार फिर मंत्री पद की दौड़ में शामिल कई विधायक सक्रिय हो गए हैं। हालांकि जब तक किसी और के पास वन मंत्री का प्रभार नहीं जाता है तब तक ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास रहेगी। लेकिन अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या ये इस्तीफा स्वीकार हुआ है या फिर नहीं।